हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी पाठशाला। तो आज के इस इंग्लिश लेक्चर में हम प्रेपोजिशंस डिस्कस करेंगे। हम कुछ ऐसे वर्ड्स डिस्कस करेंगे कि जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं और उस कन्फ्यूजन के कारण हमारा एग्जाम में क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ऐसे कुछ प्रेपोजिशंस डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप एक नोटबुक मेंटेन कीजिए। जो भी मैं रूल्स बता रहा हूँ आप उसको एक साथ लिखते चलिए, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में रिविजन करने में हेल्प मिले, है ना। अगर आप नोटबुक मेंटेन नहीं करोगे तो आप ये रूल्स कुछ दिनों बाद भूल जाओगे। अभी तक मैं आपको 3 लेक्चर दे चुका हूँ, राइट, और उसमें मैंने आपसे कुछ बेसिक रूल्स डिस्कस किए थे जो कि एरर डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ओके, तो इसलिए आप प्लीज़ एक नोटबुक मेंटेन कीजिए और सारे लेक्चर जैसे मैं करा रहा हूँ उसको उस नोटबुक में लिखते चलिए। उससे क्या होगा, आपका रिविजन भी होता चलेगा, प्लस आपको सारे नोट्स भी मेंटेन हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट का क्या यूज़ होता है। देखिए, बिटवीन और अमंग का तो मोस्टली सबको पता होगा, लेकिन अमंगस्ट का यहाँ पे क्या यूज़ है, इसलिए मैं आपके बीच में ये लेकर आया हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि अमंगस्ट का यूज़ हम कैसे करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिटवीन कहाँ यूज़ होता है, जहाँ दो पर्सनस की बात होगी हम बिटवीन वहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो याद रखिए बिटवीन हमेशा दो लोगों के लिए यूज़ होगा। फिर आता है अमंग। अमंग कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पे दो से ज़्यादा लोग होंगे, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक, दो से ज़्यादा लोगों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अमंग। लेकिन फ्रेंड्स, अब देखिए ये आ गया अमंगस्ट। अब अमंगस्ट कहाँ यूज़ करेंगे, देखिए अमंगस्ट भी हम दो लोगों से ज़्यादा के लिए ही यूज़ करेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है कि अमंगस्ट हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे वॉवल साउंड आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आएगा, वॉवल साउंड। बस आपको ये याद रखना है कि अमंग और अमंगस्ट के लिए कंडीशन दोनों ही सेम है, कि दोनों में दो लोगों से ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि अमंगस्ट हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे वॉवल साउंड मिलेगा। चलिए पहले एग्जांपल देखते हैं, क्या कह रहा है, द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अमंगस्ट का यूज़ किया है, क्यों, पहली बात तो यहाँ पर फ्रेंड्स की बात हो रही है, मतलब दो लोगों से ज़्यादा हैं। अब फिर देखिए अमंगस्ट के बाद ऑल लिखा हुआ है, और ऑल क्या है, वॉवल, है ना, तो यहाँ पे हमें वॉवल साउंड मिल रहा है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, अमंगस्ट यूज़ किया, अमंग यूज़ नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अमंगस्ट। दूसरा देखते हैं, वी शुड नॉट फाइट अमंगस्ट आर सेल्स। यहाँ भी मैंने अमंगस्ट का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि देखिए आर सेल्स में आपको वॉवल साउंड मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आया, जहाँ जहाँ आपको वॉवल साउंड मिलेगा वहाँ आप क्या यूज़ करोगे, अमंगस्ट का यूज़ करोगे। तीसरा देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रेन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अमंग का यूज़ हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको वॉवल साउंड नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा ना, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, अमंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो अमंग और अमंगस्ट में एक ही डिफरेंस है, क्या, कि अगर आपको वॉवल साउंड मिलेगा तो आप अमंगस्ट का यूज़ करोगे। तो आई होप आपको बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट का यूज़ क्लियर हो गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको एक मैं नई चीज़ बताता हूँ, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी कभी एग्रीमेंट या सीरीज़ की बात होगी, ठीक है, किसकी बात होगी, एग्रीमेंट्स की या सीरीज़ की, बिटवीन नेशंस, तब हम क्या यूज़ करेंगे, बिटवीन का यूज़ करेंगे, अमंग और अमंगस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, भले ही दो नेशन हो या दो से ज़्यादा नेशन हो। ठीक है, तो जब भी कभी, मैं फिर से बता देता हूँ कि जब भी दो या दो से ज़्यादा नेशंस हों, ठीक है, कितने भी नेशंस हो, अगर उनके बीच एग्रीमेंट होगा या कोई सीरीज़ होगी, तब हम बिटवीन का ही यूज़ करेंगे, अमंग और अमंगस्ट का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इनका यूज़ नहीं करेंगे। एग्जांपल देखिए, अ पीस एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। देखिए यहाँ पे 3 कंट्रीज़ हैं, दो से ज़्यादा हो गई ना, तब भी हमने क्या यूज़ किया, बिटवीन यूज़ किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी एग्रीमेंट या सीरीज़ की बात होगी तब हम क्या यूज़ करेंगे, बिटवीन का ही यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट का यूज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगले उस पर चलते हैं। देखिए अब हमारा यूज़ किसका है, इन, विद और बाय। कहाँ हम इन यूज़ करेंगे, कहाँ हम विद यूज़ करेंगे और कहाँ हम बाय यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास तीनों ऑप्शंस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको इनका यूज़ नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ऑप्शंस में इन है, विद है और बाय है, तो आपको इन तीनों में से किसका यूज़ कहाँ करना है। ठीक है, वैसे तो इनके बहुत सारे यूज़ेस हैं, है ना, ऐसे विद के बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन जब आप इन और विद में कंपेयर करोगे तो कहाँ इन यूज़ करना है, कहाँ विद, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले आप ये समझिए कि जो इन और विद हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होंगे, मतलब जो भी चीज़ें ज़िंदा नहीं हैं, फाइन, और बाय हम किसके साथ यूज़ करेंगे, लिविंग थिंग्स के साथ।
इसलिए मैंने बाय अलग लिखा है और इन और विद एक साथ लिखा है, क्योंकि इन और विद जो दोनों है ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ होंगे, फाइन। और बाय किसके साथ यूज होगा? ये लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ होगा, ठीक। अब फिर देखिए, अब इन कहाँ यूज़ होगा और विद कहाँ यूज़ होगा? जो इन है ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होगा, मतलब ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जबकि विद किसके साथ यूज़ होगा? ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होगा, ठीक। समझ में आया कि इन विद और बाय कहाँ कहाँ यूज़ होंगे? बाय लिविंग थिंग्स के साथ, इन और विद नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। फिर नॉन लिविंग थिंग्स में इन अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होगा और विद काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होगा। देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या लिखा है? द केक वॉज कट बाय मी विद अ स्वॉर्ड, ठीक। क्या कह रहा है? द केक वॉज कट बाय मी विद अ स्वॉर्ड। देखिए यहाँ पे बाय का इस्तेमाल क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे मी लिखा हुआ है और मी क्या है? लिविंग। मैंने काटा ना, तो मैं तो जिंदा हूँ, तो लिविंग थिंग्स का क्या यूज होता है? बाय। इसलिए द केक वॉज कट बाय मी, ठीक। फिर आगे लिखा है विद अ स्वॉर्ड। अब देखिए स्वॉर्ड क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए या तो हम इन यूज करेंगे या तो विद यूज करेंगे, लेकिन स्वॉर्ड कैसा है? ये काउंटेबल नाउन है, हम गिन सकते हैं ना कितनी स्वॉर्ड्स हैं, ठीक। तो इसलिए हमने क्या यूज किया? विद यूज किया। तो समझ में आया हमने बाय और विद क्यों यूज किया? क्योंकि लिविंग थिंग थी इसलिए बाय यूज किया, और स्वॉर्ड क्योंकि काउंटेबल नाउन है इसलिए हमने क्या यूज किया? विद यूज किया, फाइन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में और क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है? प्लीज राइट विद अ बॉल पॉइंट पेन इन ब्लैक इंक, ठीक। क्या कह रहा है? प्लीज राइट विद अ बॉल पॉइंट पेन इन ब्लैंक इंक, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो बॉल पॉइंट पेन है ये क्या है? आपका काउंटेबल नाउन है ना, हम पेन काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या यूज किया? विद का यूज किया। जबकि इंक है, इंक को हम काउंट नहीं कर सकते, इंक क्या है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। तो इसलिए हमने क्या यूज किया? इन का यूज किया, ठीक है फ्रेंड्स। अब कई लोग क्या करेंगे, वो विद का यूज कर देते हैं कि प्लीज राइट विद अ बॉल पॉइंट पेन विद ब्लैक इंक, ठीक है, जबकि वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इंक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिन लोगों को भी कंफ्यूजन रहा होगा इन और विद में, आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है? एक होता है इन टाइम और एक होता है इन कंफर्टेबल टाइम, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ये बहुत इजी है, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। देखिए सपोज मैं कहता हूँ आपको मूवी देखने जाना है, ठीक है, और मूवी का टाइम है सपोज 11 AM, ठीक। मूवी का टाइम क्या है? 11 AM का शो है, फाइन। और एक्चुअली क्या होता है कि जब मूवी स्टार्ट होती है उससे पहले ट्रेलर स्टार्ट होते हैं, है ना। सपोज मूवी जो स्टार्ट होती है वो 11:20 पे स्टार्ट होती है, ठीक। 11:20 पे मूवी स्टार्ट हो जाती है और 11 से 11:20 तक ट्रेलर चलते हैं, ठीक है। सपोज आप पहुंचे 11:10 को, कब पहुंचे? 11:10 को। जब आप 11:10 को पहुंचे तब तक मूवी स्टार्ट नहीं हुई थी, क्योंकि मूवी 11:20 पे स्टार्ट होती है, लेकिन तब ट्रेलर स्टार्ट हो गया था, है ना। आप जो था रिपोर्टिंग टाइम था 11 बजे का, ठीक है, आपका शो एक्चुअली 11 बजे स्टार्ट होना था, आप पहुंचे 11:10 पे। अगर मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आप पहुंचे, लेट पहुंचे, लेकिन आपने कोई भी चीज़ मिस नहीं की, क्योंकि मूवी कितने बजे स्टार्ट होनी थी? 11:20 पे, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम इन टाइम। इन टाइम का मतलब होता है यू रीच बिफोर द एक्शन स्टार्ट्स, बिफोर द एक्शन टेक्स प्लेस, या स्टार्ट कह लो, बिफोर द एक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पे एक्शन क्या है? मूवी का शुरू होना। ऑल्दो आप लेट हो, आपको पहुंचना था 11 बजे, लेकिन आप पहुंचे 11:10 पे, लेकिन मूवी तो स्टार्ट हुई 11:20 पे, ठीक, लेकिन आपने मिस कुछ भी नहीं किया। तो इसको कहते हैं हम इन टाइम। क्या कहते हैं? इन टाइम, कि आप ऑल्दो लेट पहुंचे हो, मतलब लेकिन आपने कोई भी चीज़ मिस नहीं की, आप एक्शन के होने से पहले ही पहुंच गए, उसे कहते हैं इन टाइम। इसी और इसी का उल्टा होता है इनकम्फर्टेबल टाइम। इनकम्फर्टेबल टाइम का मतलब होता है समय से पहले। सपोज शो था 11 AM का, आप पहुंच गए 10:30, ठीक, आप 10:30 ही पहुंच गए। जैसे एग्जाम में होता है ना कि आपका प्री एग्जाम सपोज सुबह की शिफ्ट है 8:30 बजे, तो आप क्या करते हो? 7:30 ही पहुंच जाते हो या 8 बजे ही पहुंच जाते हो। तो उसे कहते हैं इनकम्फर्टेबल टाइम, कि टाइम से पहले ही पहुंच गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझ में आया इन टाइम और इनकम्फर्टेबल टाइम का मतलब? इनकम्फर्टेबल टाइम का मतलब होता है कि आप रिपोर्टिंग टाइम के पहले पहुंच गए, जबकि इन टाइम का मतलब होता है कि आप लेट हो लेकिन आपने कोई भी चीज़ मिस नहीं की, ठीक है, आपने कोई भी चीज़ मिस नहीं की, ठीक है फ्रेंड्स।
तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कहाँ इन टाइम यूज करेंगे और कहाँ इनकम्फर्टेबल टाइम यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इन और इन टू। अब बहुत सारे लोगों को इन और इन टू में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ इन यूज करना है और कहाँ इन टू यूज करना है। फ्रेंड्स अब मैं बता देता हूँ कि कहाँ आपको इन यूज करना है और कहाँ इन टू। बहुत ईजी है, बस एक बार समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इन टू का यूज मैं बताता हूँ कि इन टू का यूज सिर्फ दो ही जगह होता है। कहाँ कहाँ? एक जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक, तो पहला यूज कहाँ होता है, कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा वहाँ इन टू का यूज होगा। और दूसरा यूज कहाँ होता है, जब भी कभी एंट्री होगी किसी चीज़ में। तो इन टू का दो यूज हैं, एक इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस और दूसरा जब किसी चीज़ में एंट्री हो। एग्जाम्पल समझाता हूँ, देखिए ही जम्प्ड इन टू द वेल, वो कुएं में कूद गया, तो उसकी एंट्री कहाँ हो गई, कुएं के अंदर। तो उसमें क्या लिखेंगे, इन टू लिखेंगे, इन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन टू, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रही है, एंट्री हो रही है। फिर दूसरा देखिए, द वाटर चेंज्ड इन टू आइस, यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किसका, वाटर का आइस में। तो जब भी कभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो भी हम क्या यूज़ करेंगे, इन टू का ही यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आया कि इन टू का कहाँ कहाँ यूज़ होगा, जब भी कभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जैसे वाटर का आइस में बदलना, आइस का वेपर में बदलना, ठीक है, वहाँ यूज़ करेंगे। और दूसरा जब भी कभी किसी चीज़ में एंट्री हो रही होगी तब, ही जम्प्ड इन टू द वेल, ही एंटर्ड इन टू द रूम, ठीक है, वैसा। तो समझ आया कि इन टू के दो यूज़ हैं। अब फ्रेंड्स एक एक्सेप्शन भी है, या एक बात का आपको ध्यान रखना है, वो क्या है कि एंटर इज़ नॉट यूज्ड विद इन टू, कि इन टू के साथ हम एंटर का यूज़ नहीं करते। कहाँ पे, इन केस ऑफ फिजिकल एंट्री, ठीक है, कि जब भी कहीं फिजिकल एंट्री हो रही होगी वहाँ पे हम इन टू के साथ एंटर का यूज़ कभी नहीं करेंगे। फिजिकल एंट्री का मेरा मतलब है कि जहाँ पे एक्चुअली में एंट्री हो रही है, जैसे ही जम्प्ड इन टू द वेल, ठीक है, वहाँ पे क्या है, वो आदमी या वो ऑब्जेक्ट खुद जा रहा है, खुद एंटर कर रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं फिजिकल एंट्री। तो जब भी फिजिकल एंट्री होगी वहाँ पे हम एंटर और इनटू एक साथ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लिखा है, दे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर पीस, यहाँ पे एंटर और इनटू एक साथ यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किस में एंट्री हो रही है, एग्रीमेंट में, फिजिकल एंट्री नहीं हो रही, किसी घर में एंट्री नहीं हो रही या किसी वेल में एंट्री नहीं हो रही, यहाँ पे एक एग्रीमेंट बन रहा है, तो वहाँ पे हम एंटर इनटू एक साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल एंट्री में नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। जैसे मैं लिखूँ ही एंटर्ड, ठीक है, ही एंटर्ड इनटू द रूम, अगर ये सेंटेंस लिखा है कि ही एंटर्ड इनटू द रूम, तो ये देखिए यहाँ पे एंटर और इनटू एक साथ आ गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिकल एंट्री हो रही है, कि वो खुद ही रूम में जा रहा है, ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, तो हम एंटर और इनटू एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, कब, जब फिजिकल एंट्री होगी। फिजिकल एंट्री मतलब जहाँ ऑब्जेक्ट खुद एंटर कर रहा होगा, ठीक है, किसी रूम में हो गया, किसी वेल में हो गया, किसी प्लेस पे हो गया, फाइन, लेकिन अगर एग्रीमेंट वगैरह है वहाँ पे एंटर इनटू हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि इनटू हम कहाँ यूज़ करते हैं। फिर बच्चा इन, इन क्या बताता है, जनरली इन बताता है हमारी पोजीशन या मूवमेंट, है ना, जनरली यही बताता है ना, कि जैसे दे आर डांसिंग इन द हॉल, ही इज़ इन द हाउस, ठीक है, ही इज़ इन द स्कूल, तो इन क्या बताता है, पोजीशन बताता है या मूवमेंट बताता है, ठीक है, जैसे ही इज़ मूविंग इन द हॉल, ही इज़ डांसिंग इन द हॉल, ये मूवमेंट बता रहा है, ठीक है, तो इनका जनरली यूज़ कहाँ होता है, पोजीशन और मूवमेंट बताने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको इनटू का यूज़ क्लियर हो गया होगा कि कहाँ हम इनटू यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल है एट का, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए एट कहाँ यूज़ होता है, एट वहाँ यूज़ होता है जहाँ आपको डेफिनेट चीज़ पता हो, ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ पता हो, जैसे टाइम, एट 6 AM, एट 6:30 AM, एट 7:30 AM, ऐसे यू हैव टू रिपोर्ट द एग्जामिनेशन हॉल एट 8 AM, ठीक, तो जहाँ भी आपको फिक्स्ड चीज़ पता हो वहाँ क्या यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। ऐसी एम के लिए, हमेशा एम के लिए याद रखिए एट का यूज़ होता है, जैसे ही शॉट एट द एनिमी, ही थ्रू अ स्टोन एट द डॉग, ठीक, जब भी हम एम करते हैं किसी चीज़ को वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, एट का ही यूज़ करते हैं। और होम के साथ भी हमेशा एट ही यूज़ होता है, ठीक है, एट होम, होम के साथ कुछ और यूज़ नहीं होता, हमेशा क्या यूज़ होता है, एट का ही यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आया एट हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। एक मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ कि एट और इन का एक साथ यूज़ कैसे करते हैं, कि कहाँ हम ऐट करेंगे, कहाँ इन करेंगे, क्योंकि दोनों हमें पोजिशन भी बताते हैं। देखिए जब भी स्मॉलर प्लेस होगी, ठीक है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, एट, और बड़ी प्लेसेस के आगे हम क्या यूज़ करेंगे, इन। जैसे एग्जांपल, आई एम एट द ताज महल इन आगरा,
ठीक, आपके पास दो जगहें हैं, एक है ताजमहल और एक है आगरा, ठीक, बड़ा कौन सा है, ताजमहल बड़ा है कि आगरा बड़ा है? आगरा बड़ा है ना, तो बड़ी प्लेसेस का हम क्या लगाते हैं, इन, और छोटी प्लेसेस का क्या लगाते हैं, एट। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे आई एम एट कश्मीरी गेट इन दिल्ली, ठीक, दिल्ली बड़ी जगह है, कश्मीरी गेट उसमें एक जगह है, तो जब भी छोटी जगह आएगी हम क्या करेंगे, एट, और बड़ी जगह के साथ क्या क्या लगाएंगे, इन। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? लेकिन अगर दिल्ली नहीं होता, सिर्फ ये लिखा होता कि आई एम डैश कश्मीरी गेट, तो हम क्या लगाते, एट का ही यूज़ करते, ठीक। तो अगर एक ही प्लेस गिवन है तो हम ऐट यूज़ करेंगे, अगर एक से ज़्यादा हैं, दो प्लेसेस हैं, तो छोटी के साथ हम ऐट यूज़ करेंगे, बड़ी के साथ इन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया ऐट का यूज़, ऐट वो चीज़ वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ पता हो, ठीक, डेफिनेट चीज़ हमें पता हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, और इसके साथ हम नेक्स्ट रूल पर देखिए फ्रेंड्स, अगला रूल क्या कहता है, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, मतलब मेड वर्ड के साथ या तो हम ऑफ का यूज़ करेंगे या फ्रॉम का यूज़ करेंगे। अब कहाँ ऑफ यूज़ होगा और कहाँ फ्रॉम यूज़ होगा वो देखते हैं। देखिए, मेड के साथ जब ऑफ आएगा तब हम क्या देखेंगे, फिजिकल चेंज, कि जब भी फिजिकल चेंज होगा तब हम मेड के साथ क्या यूज़ करेंगे, ऑफ। अब जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है, लेकिन बाकियों को दिक्कत हो गई होगी, है ना, मुझे पता है, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। और मेड के साथ फ्रॉम कहाँ आएगा, जब कभी केमिकल चेंज होगा, तो जब केमिकल चेंज होगा हम मेड के साथ फ्रॉम का यूज़ करेंगे, और जब फिजिकल चेंज होगा हम मेड के साथ ऑफ का यूज़ करेंगे। अब देखिए, केमिकल चेंज से मेरा मतलब है कि जब भी आपको रॉ मटेरियल्स मिल नहीं पाए, सपोज़ आपने कोई चीज़ बनाई, ठीक है, सपोज़ आपने चाय बनाई, चाय में क्या यूज़ होता है, दूध, चाय पत्ती, पानी, ठीक, आपने इन सब से मिलकर चाय बना दी, क्या आप चाय से वापस दूध निकाल सकते हो, या चीनी निकाल सकते हो, या चाय पत्ती निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते ना। इसका मतलब कि जो रॉ मटेरियल्स है जिससे कि मिलके वो चीज़ बनी है वो वापस नहीं मिल सकती, और जब ऐसा होता है तब उसको कहते हैं केमिकल चेंज। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, पहला एग्जांपल, द केक इज मेड फ्रॉम फ्लोर, शुगर एंड क्रीम। देखिए, केक तीन चीज़ों से मिलकर बना है, आटा से, चीनी से और क्रीम से। अब इन तीनों से मिलकर केक बन गया, क्या आप केक से वापस आटा अलग कर सकते हो, क्या चीनी अलग कर सकते हो, क्या क्रीम अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। इसका मतलब ये जो तीन कंपोनेंट्स है इसको हम केक से नहीं निकाल सकते, इसका मतलब क्या हुआ, ये केमिकल चेंज हो गया, और केमिकल चेंज के हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम का, इसलिए मैंने यहाँ फ्रॉम का यूज़ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया यहाँ फ्रॉम का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि केक इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना है, फ्लोर, शुगर और क्रीम, और इन तीनों चीज़ों को हम अलग नहीं कर सकते केक से, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, फ्रॉम का यूज़ किया है। फाइन, समझ में आया? ऐसे अगला एग्जांपल देखिए, द फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड। अब वुड के लिए मैंने ऑफ का यूज़ किया, क्यों, क्योंकि फर्नीचर वुड से बना है, और हम फर्नीचर से वुड निकाल सकते हैं ना, ठीक, निकाल सकते हैं ना, ये कैसा है, फिजिकल चेंज, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, ऑफ का यूज़ किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर तीसरा एग्जाम्पल देखिए, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, यहाँ भी मैंने ऑफ का यूज़ किया, क्यों, क्योंकि देखिए दीवार से आप दीवार तोड़ोगे तो आपको ब्रिक्स मिल जाएंगे ना, ठीक, रॉ मटेरियल आपको वापस मिल सकता है, तो इसलिए यहाँ क्या यूज़ किया गया, ऑफ का यूज़ किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कहाँ ऑफ का यूज़ करेंगे और कहाँ फ्रॉम का यूज़ करेंगे। तो चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हुआ है, इसी के साथ हम नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। देखिए, एक है कंपेयर्ड टू और एक है कंपेयर्ड विद। अब कंपेयर्ड के साथ भी हम या तो टू का यूज़ कर सकते हैं या विद का यूज़ कर सकते हैं। कहाँ टू करेंगे, कहाँ विद, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी डिससिमिलर थिंग्स का कंपैरिजन करना है, किसका, डिससिमिलर थिंग्स का, तब हम कंपेयर टू का इस्तेमाल करेंगे। और जब भी हम एक जैसी चीज़ों को कंपेयर करते हैं, सिमिलर थिंग्स को, तब हम कंपेयर के साथ क्या यूज़ करेंगे, विद का यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल है, विराट कोहली बैटिंग कैन बी कंपेयर्ड विद सचिन। देखिए, यहाँ हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, विराट कोहली की बैटिंग को और सचिन की बैटिंग को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम है ना, विराट कोहली की बैटिंग और सचिन की बैटिंग, तो जब दोनों चीज़ें सेम होगी हम क्या यूज़ करेंगे, विद का यूज़ करेंगे। ठीक, क्योंकि हमने क्या किया, दोनों पर्संस को कंपेयर किया है। ठीक, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, विद का यूज़ किया। ऐसी दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, युवराज फील्डिंग कैन बी कंपेयर्ड टू थंडरस्टॉर्म। अब देखिए, यहाँ हम आदमी को किससे कंपेयर कर रहे हैं, थंडरस्टॉर्म से, तो ये अलग हो गया ना, ये डिसिमिलर थिंग्स हो गई ना, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, टू का यूज़ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? तो जब भी हम सिमिलर थिंग्स, मतलब एक जैसी चीज़ों को कंपेयर करेंगे, हम विद का इस्तेमाल करेंगे, और जब भी हम डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करेंगे तब हम टू का इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी बहुत कंफ्यूजिंग होता है अगर आपको ना पता हो तो. ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, और अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आएगा तो आप इसको भी कर लोगे. ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट रूल का कहता है इम्प्रूवमेंट इन और इम्प्रूवमेंट ऑन. कहाँ इम्प्रूवमेंट के साथ इन आएगा, कहाँ इम्प्रूवमेंट के साथ ऑन आएगा. फ्रेंड्स मैं आपको इसलिए ये करा रहा हूँ, देखिए आजकल जो इंग्लिश का पैटर्न आ रहा है आप भी देख सकते हो कि इंग्लिश में आपको फिल इन द ब्लैंक्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, है ना. आपको क्वेश्चन ऐसा डिज़ाइन करता है कि आपसे पूछता है कि इन चार में से कौन कौन से पेयर्स करेक्ट होंगे. ठीक है, तो अगर आपको इन बेसिक्स की नॉलेज नहीं होगी तो आप बिल्कुल गलती निकाल ही नहीं पाओगे. ठीक है ना, इसलिए आपको बेसिक्स की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो देखिए इम्प्रूवमेंट इन कहाँ लगाएंगे और इम्प्रूवमेंट ऑन कहाँ लगाएंगे. देखिए जब भी आपके सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होगा, सिंगल सब्जेक्ट, तब हम क्या लगाएंगे, इम्प्रूवमेंट इन. ठीक है, जब भी सेंटेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होगा तब हम क्या यूज़ करेंगे, इम्प्रूवमेंट के साथ इन का यूज़ करेंगे. और इम्प्रूवमेंट ऑन कहाँ लगेगा, जब दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे. ठीक है, तो ये तो ईजी हो गया ना कि अगर एक सब्जेक्ट दिखा तो इन लगा दिया, दो सब्जेक्ट दिखे तो ऑन लगा दिया. लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि जब टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे एंड लेटर गोज बेटर, और दूसरा सब्जेक्ट पहले वाले से बेहतर होगा. ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है. एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन प्राइस. देखिए यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है प्राइस, तो इसलिए हमने क्या यूज़ कर दिया, इन का यूज़ कर दिया, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है. देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन प्राइस, फाइन. अब दूसरा देखिए, टूडेज कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज एन इम्प्रूवमेंट डैश. ठीक है, यहाँ आप डैश समझिए यस्टरडेज. तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक टूडेज कंडीशन, आज की कंडीशन, और एक कल की कंडीशन. तो क्या कह रहा है कि जो आज की कंडीशन है वो कल की कंडीशन से क्या है, बेहतर है. इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, बेहतर. तो देखिए दो सब्जेक्ट हो गए, टूडेज कंडीशन और यस्टरडेज, फाइन. और आज की कंडीशन कैसी है, कल से बेहतर है ना, इम्प्रूवमेंट लिखा है तो इसका मतलब कल से बेहतर है. तो ये हो गया लेटर, ये हो गया प्रीवियस वाला, तो ये लेटर बेटर भी हो गया, है ना. आज की कंडीशन बेहतर है कल से, तो वही लिखा है ना कि दो डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे एंड लेटर गोज बेटर, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे. कि जो अगली कंडीशन है वो पिछली कंडीशन से कैसी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए. ये होता है लेटर का मतलब. ठीक, लेटर मतलब बाद में. तो जो बाद की कंडीशन है या जो बाद का सब्जेक्ट है वो पहले सब्जेक्ट से कैसा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए. और वही लिखा है कि आज की कंडीशन कल की कंडीशन से क्या है, बेहतर है. ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आया कहाँ इन का यूज़ करेंगे, कहाँ ऑन का. तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर एक सब्जेक्ट हुआ तो आप इनका यूज़ कर लो, और दो सब्जेक्ट्स हुए तो ऑन का यूज़ करना है. ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, और एक बार आप जब बुक से लगाओगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, और बुक से लगाने के बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट सारे दूर कर दूंगा. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. देखिए नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, डील इन और डील विद. ठीक है, अब डील के साथ भी हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या तो इन का या तो विद का. अब कहाँ इन आएगा, कहाँ विद, वो देखते हैं. देखिए जब भी गुड्स और सर्विसेज की बात होगी तब हम क्या करेंगे, डील के साथ इन का यूज़ करेंगे. ठीक है, और जब भी हम पार्टनर्स या पर्सन्स की बात करेंगे तब डील किसके साथ होगा, विद के साथ. ठीक, तो डील विद कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ हम डीलिंग पार्टनर्स या पर्सन्स के साथ करेंगे, और जहाँ हम डील गुड्स और सर्विसेज के साथ यूज़ करेंगे वहाँ हम डील के साथ क्या यूज़ करेंगे, इन. एग्जांपल देखिए, राम डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स. अब देखिए ये गुड्स एंड सर्विसेज है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, इन का यूज़ किया, कि राम डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स. फिर वही दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राम डील्स विद श्याम एंड रोहन, कि राम श्याम और रोहन के साथ डील करता है. अब ये क्या है, पार्टनर्स कह लीजिए या पर्सन्स कह लीजिए. तो जब भी पर्सन्स होंगे तो हम विद का यूज़ करेंगे, जब भी गुड्स एंड सर्विसेज होगी हम किसका यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, इजी है ना. बस अगर आपको ये रूल पता है तो उसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बस पता होना चाहिए. ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा. चलिए लास्ट रूल पर चलते हैं, और आज के सेशन का ये लास्ट रूल है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत 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 ज़्यादा. देखिए ये रूल है क्या, प्लेस और स्पेस दोनों एक ही हैं, इसलिए मैंने इसको स्लैश करके लिखा है, कि चाहे प्लेस कह लीजिए चाहे स्पेस कह लीजिए, और एक होता है रूम. अब ये रूम आपका कमरा नहीं है, इस रूम का मतलब होता है स्पेस. ठीक है, कैसी स्पेस, फ्री स्पेस. ठीक है, ये रूम के, देखिए रूम के दो मतलब होते हैं, जो ये वर्ड है रूम, इसके दो मतलब होते हैं. एक तो आपका कमरा, ठीक है, जो घर के अंदर होता है, तो इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ कमरा. ठीक, एक वो होता है रूम, एक दूसरा रूम होता है स्पेस, ठीक, जगह. तो
तो इसके दो मतलब होते हैं, तो इसका आपको वोकैबुलरी बढ़ गई है ना आज रूम का। तो देखिए ठीक समझ आया, तो रूम के दो मतलब होते हैं, कमरा और जगह। तो जहां मैं जिस रूम की बात कर रहा हूँ, ये जगह वाला रूम की बात कर रहा हूँ मैं, फाइन। तो देखिए कहाँ मैं प्लेस लगाऊंगा या स्पेस लगाऊंगा, कहाँ रूम लगाऊंगा। रूम जो होता है वो लिविंग बींग्स के लिए यूज़ होता है, ठीक, किसके लिए यूज़ होता है, लिविंग बींग्स के साथ। जब भी स्पेस और प्लेस किसके साथ यूज़ होगा, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। तो जब भी लिविंग बींग्स की हम बात करेंगे उसके लिए हम रूम का यूज़ करेंगे, और जब भी हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे वहाँ हम प्लेस या स्पेस का यूज़ करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, देयर इज़ नो प्लेस और स्पेस इन द पार्किंग। अब देखिए पार्किंग किसके लिए होती है, कार्स के लिए होती है या बाइक्स के लिए होती है ना, मतलब ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होती है पार्किंग, ठीक है। पार्किंग इज मेंट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, प्लेस और स्पेस, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, या तो स्पेस कह लीजिए, देर इज़ नो स्पेस इन द पार्किंग, या देर इज़ नो प्लेस इन द पार्किंग, कोई भी चलेगा। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देर इज़ नो डैश इन द कार, ठीक है, डैश मानिए, तो देर इज़ नो रूम इन द कार। देखिए कार में कौन बैठता है, कार में कौन बैठता है, पर्सन्स बैठते हैं ना, लोग बैठते हैं कार में, और लोग क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं। तो लिविंग थिंग्स के लिए जगह के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रूम, ठीक है। कि कार में कोई भी जगह नहीं है, जगह किसके लिए होनी चाहिए, पर्सन्स के लिए, क्योंकि पर्सन्स कार में बैठेगा। तो कार में पर्सन्स के लिए जगह के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रूम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रूम का मतलब ही होता है स्पेस, स्पेस किसके लिए, लिविंग बींग के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझ में आया रूम कहाँ यूज़ होगा, कहाँ स्पेस और प्लेस यूज़ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया, और इसी के साथ आपकी एक वोकैब भी बढ़ गई रूम की, फाइन। इसका मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ ताकि आपकी वोकैब क्लियर हो जाए, रूम का मतलब क्या होता है, कमरा और जगह। जैसे एक स्टेटमेंट लिखा है, दी क्रिकेटर, ठीक है, द क्रिकेटर हैड इनफ रूम टू प्ले द शॉट, ठीक, द क्रिकेटर हैड इनफ रूम टू प्ले द शॉट। अब इसका मतलब ये नहीं कि क्रिकेटर के पास बहुत सारे कमरे थे शॉट खेलने के लिए, नहीं, इसका मतलब ये है कि क्रिकेटर के पास काफ़ी फ्री स्पेस था कि वो आसानी से शॉट खेल सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझ में आया इस रूम का मतलब। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम अपने वीडियो पे एंड में आ पहुँचे हैं। आई होप आज को मैं आपको जो मैंने आज 10 रूल्स कराए हैं प्रपोजिशन के, वो आपको समझ में आ गए होंगे और आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इस वीडियो के बाद आप प्लीज़ उन रूल्स को एक बार फिर देखिएगा और ट्राई करिए कि आप वो रूल्स याद कर लें, है ना, मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो रूल क्या है। और प्लीज़ बुक और न्यूज़पेपर डेली लगाइए, बुक कौन सी, ग्रामर की कोई भी बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए। आज मैंने प्रपोजिशन पढ़ा है तो प्रपोजिशन का टॉपिक आप बुक से लगाइए, एक्सरसाइज सॉल्व करिए, ताकि आपको जो रूल मैंने बताया है वो क्लियर हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अभी IBPS क्लर्क का पेपर आने वाला है, ठीक है, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, बस आप अपनी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करते रहिए, ठीक है, और आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, डरिए मत, बस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सारे सिलेक्शन हो जाएंगे, ओके फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप प्रैक्टिस करेंगे और हम नेक्स्ट टर्न पर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।